स्टूडेंट्स माई सेल्फ सोनी सर, स्वागत है आपका अपना चैनल द निकोलियन क्लासेस में। एक ऐसा चैनल है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन IIT मेडिकल और बोर्ड की फ्री में तैयारी करवा रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी लाभ उठाएं। जिसे आज हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट्स, उसमें से कई लेक्चर हम लोग देख चुके थे। आज की बात है कि क्लोज पैकिंग जो पढ़ चुके थे, आज हम क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में बताने जा रहे हैं। तो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में कैसे होता है वो आज बात करते हैं। तो हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ चुके थे, फर्स्ट 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, दूसरा हो गया आपका 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बात कर चुके थे। आज हम लोग 3 डायमेंशन की बात करेंगे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन में कैसे यूज़ किया जाता है आज उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के मतलब होता है कि एटम जो होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस पे रहेगा। तो जैसे हम लोग देखें एटम को अरेंजमेंट करना है कैसे, जैसे हम लोग फर्स्ट एटम अभी रखते हैं, अगर हम लोग 1 डायमेंशन में एटम को अरेंज कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं आपको 1D मतलब एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग एटम रख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस की तरफ एटम है, ठीक है। दूसरा जो एटम है हम लोग 2D में रखेंगे, जिसके ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, दूसरा जो रहेगा आपका ये वाई एक्सिस और ये तीसरा रहेगा आपका जेड एक्सिस की तरफ। तो अभी हम लोग एक्स एक्सिस मतलब 1 डायमेंशन की बात किए हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे जो स्पेस खाली है उसको वॉइड बोलते हैं हम लोग। तो इस वॉइड के ऊपर दूसरा एटम रखते जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद एटम यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद एटम यहाँ पे रखेंगे, मतलब जितने भी वॉइड्स हैं, वॉइड के मतलब एम्प्टी स्पेस है, वहीं पर आइटम रखता चला जाएंगे। एक बार और बनाते हैं, यहाँ पे भी आइटम रखेंगे, ऐसे वॉइड में आइटम रखता चला जाएंगे। इधर भी आइटम रखेंगे हम लोग आराम से, यहाँ पे भी रख सकते हैं हम लोग आइटम, हो गया। एक लेयर और बनाते हैं, एक डायमेंशन और करते हैं, यहाँ पे आइटम रहेगा आपका। सारे आइटम जो रहेंगे एक दूसरे से टच में रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे, ये हो गया आपका पिक्चर। इसको मान लिया फर्स्ट लेयर है, पहला परत है ये, तो फर्स्ट लेयर हम लोग दे दिए। दूसरा लेयर इसके ऊपर रखना है, तो दूसरा लेयर इसके ऊपर कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे खाली स्पेस है, वॉइड है। तो वॉइड यहाँ पे है, सब जगह वॉइड है, तो दूसरा लेयर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर मान के चलो दूसरा लेयर यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ पे आइटम रखते हैं, तो इसको हम लोग आइटम यहाँ पे रखेंगे, तो एक आइटम यहाँ पे रखा गया ऐसे करके, दूसरा इस वॉइड के ऊपर रखेंगे, सब आइटम एक दूसरे के टच में रहेंगे, यहाँ पे रखेंगे, उसी तरह यहाँ पे भी आइटम रखेगा। सेकेंड लेयर जा रहा है ये आपका सेकेंड लेयर है। उसी तरह नीचे में भी तो वॉइड है, तो यहाँ पर तो आइटम नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर रखेंगे हम लोग आइटम, इस वॉइड के ऊपर रखेंगे, अल्टरनेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे आइटम नहीं लाइक करेगा। तो यहाँ पे अगर रखते हैं आइटम को हम लोग, अगर इस वॉइड के ऊपर आइटम रखते हैं, तो एक यहाँ पे आइटम रहेगा, दूसरा आइटम इस वॉइड के ऊपर रखेंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके, दूसरा वॉइड हम लोग यहाँ इस आइटम यहाँ पर रखेंगे आइटम को, इस टाइप के आइटम रखते चला जाएंगे। तो अगर दूसरा लेयर रखेंगे, इसको लेयर नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, लेयर नंबर 1 मान लेते हैं। अब जैसे हम लोग सेकेंड लेयर रखें तो एक नया वॉइड बना है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, ये नया वॉइड बन गया, यहाँ पे एक नया वॉइड, वॉइड की मतलब खाली स्पेस, यहाँ पे सीर बन गया। अभी हम लोग 2 लेयर रखे हैं और दोनों डिफरेंट लेयर है, मतलब ये अलग लेयर है, दूसरा जो है ये अलग लेयर है, दूसरा भी क्या आपका अलग लेयर है। अब ये तीसरा जो लेयर रखेंगे, अगर तीसरा लेयर इस वॉइड सी के ऊपर रख देते हैं, यहाँ जो नया वॉइड बन गया है, नया जगह खाली स्पेस बन गया है, अगर तीसरा लेयर इस वॉइड सी के ऊपर रखेंगे, तो तीसरा लेयर रखेंगे, ध्यान से देखना, ये डॉट लाइन से दिखा रहे हैं हम लोग, ये डॉटेड लाइन से, तो तीसरा लेयर वॉइड सी के ऊपर रख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो फर्स्ट लेयर है और वो थर्ड लेयर है, ये दोनों लेयर क्या हो गया आपका बराबर हो गया, मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आपका क्या हो जाएगा बराबर हो गया। इसको हम लोग डॉटेड लाइन है, इसको हम लोग डॉट लाइन से जो दिखा रहे हैं उसको थर्ड लेयर बोल रहे हैं, इसको थर्ड लेयर बोल रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेयर है और ये थर्ड लेयर है, वो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया,
जबकि एक फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर दोनों लेयर जो है डिफरेंट हो गया। तो अगर लेयर का नाम ए मान लेते हैं तो इसको मान लेंगे हम लोग बी। तो थ्री डायमेंशन में जो एटम का अरेंज किए तो जिसमें से थ्री डायमेंशन में ए नंबर और बी नंबर, लेयर फर्स्ट नंबर और लेयर सेकेंड नंबर, यू डिफरेंट हो गया। तो इस टाइप का क्लोज पैकिंग को हम लोग बोलते हैं ए बी ए बी ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। और इस क्लोज पैकिंग का नाम हो जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग शॉर्टकट में HCP बोलते हैं। तो ये हो गया आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे बनाए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? फर्स्ट लेयर अरेंज किए, दूसरा लेयर इसके वॉइड के ऊपर रखें, और तीसरा लेयर, अगर जो दूसरा लेयर रखें तो उस पर एक नया वॉइड बना जिसका नाम सी दे दिए, तीसरा लेयर वॉइड सी के ऊपर रख दिए, तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बराबर हो गया। डिफरेंट क्या हो गया? फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर जिसका नाम ए बी है, ए बी है, ए बी। तो इस टाइप के वॉइड को बोलते हैं हम लोग ए बी, इस टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, और इसका नाम हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अब इसका यूनिट सेल कैसा बनेगा। जब इस टाइप का क्लोज पैकिंग किए हैं तो इसका यूनिट सेल कैसा बना, तो इसका यूनिट सेल की बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट सेल कैसा बना होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इसको इमेजिन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, गंदा हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से स्ट्रक्चर बना करके दिखाते हैं, और अलग स्ट्रक्चर बना करके इसका आइटम कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अगर इसको क्लोज पैकिंग किए हैं तो किस टाइप का हम लोग यूनिट सेल मिला, उस यूनिट सेल को बनाते हैं, देखो कैसा बना। तो अगर इसका यूनिट सेल की हम लोग बात करेंगे तो ये यूनिट सेल आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिला, देख सकते हैं यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक दूसरे के टच में रहता है, एक आइटम यहाँ पे, एक आइटम यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग थ्री डायमेंशन में हम लोग अरेंज किया आइटम तो एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिला। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जब मिला तो आज बात करेंगे इसमें क्या इतना ऑक्सीड, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। हम बताए थे कि जो फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर दोनों क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट। अभी मान के चलो अगर ये ए लेयर है तो ये आपका बी लेयर हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया सेम हो गया, मतलब फर्स्ट लेयर लास्ट लेयर सेम हो गया, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर क्या हो गया आपका डिफरेंट हो गया। अगर इसी में हम इसी फिगर में आगे बढ़ाते हैं, इस फिगर में हम लोग बताएंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं, इसी फिगर को हम लोग आगे बढ़ा करके कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। जैसे अभी देखें हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एटम जो फर्स्ट लेयर है इसको फर्स्ट लेयर माने हुए हैं, इस फर्स्ट लेयर वाला एटम इधर से इधर से इधर से इधर से देख सकते हैं यहाँ पे एक हेक्सागोन बन रहा है, एक हेक्सागोन बन रहा है। फर्स्ट लेयर वाला जो एटम है अपने चारों तरफ से सिक्स एटम से अटैच्ड है, सिक्स एटम से अटैच्ड है, तो सिक्स एटम से अटैच्ड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, सिक्स हो गया, क्योंकि ये छः एटम से यहाँ पे अटैच्ड है। अब जो दूसरा लेयर है, जो दूसरा लेयर है इसी को वॉइड के ऊपर रखेंगे, तो दूसरा लेयर इस वॉइड के ऊपर रख देंगे, दूसरा लेयर रख रहे हैं हम लोग इस वॉइड के ऊपर रखेंगे, दूसरा लेयर यहाँ पे रखेंगे हम लोग दूसरा लेयर, और एक हम लोग यहाँ पे रखेंगे दूसरा लेयर, ठीक है। तो दूसरा लेयर में कितने आइटम रखे हुए हैं, तीन आइटम रखे हुए हैं, तो एक यहाँ पे आपका वॉइड सी बन गया। दूसरा लेयर में आइटम तीन रखे हुए हैं, अब वॉइड आपका क्या बन गया, जैसे फर्स्ट लेयर नीचे वाला लेयर में आपको सिक्स आइटम है दिख रहा है, दूसरा वाला लेयर में कितना आइटम रखा हुआ है, थ्री आइटम है। अब ये तीसरा जो लेयर रखेंगे वो वॉइड सी पे रखेगा, तो जैसे वॉइड सी पे रखाएगा तो जो नीचे वाला लेयर है और जो लास्ट वाला लेयर है वो हो जाएगा आपका इक्वल। तो वॉइड फर्स्ट लेयर में हेक्सागोन बना था तो वॉइड थर्ड नंबर मतलब थर्ड लेयर में भी क्या बनेगा, हेक्सागोन, मतलब ऐसा ही बनेगा। तो इसमें अगर थर्ड लेयर की बात करेंगे हेक्सागोन बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से अगर निकाल के बात करेंगे यूनिट सेल बना, तो यहाँ पे यही फिगर को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं
तो इसमें देख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे आइटम है, यहाँ पे आइटम है, यहाँ पे आइटम। तो अगर यहाँ पे बीच में तीन आइटम है, यहाँ पे सिक्स आइटम, कोऑर्डिनेशन नंबर के मतलब होता है कितने अदर आइटम से टच में है। तो अगर यहाँ पे आइटम की बात करेंगे तो इसमें कितना आइटम, 1 2 3 4 5 6, मतलब बता चुके थे कि फर्स्ट लेयर वाला जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखते हैं फर्स्ट लेयर, अगर देख सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 होगा, यहाँ पे दिखाए थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब यहाँ पे तीन आइटम है तो तीन टच रहेगा, तो तीन से टच रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पे जो है इसमें भी कितना आइटम है, तीन आइटम से, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, ये आइटम आपने चारों तरफ से कितने आइटम से टच में है, तो टोटल कितने में, 3 3 6 और 6 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 12। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसमें नंबर ऑफ आइटम की बात करेंगे, इसके नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया कि जितने अदर आइटम से टच रहेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब इसका हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, इसका नंबर ऑफ आइटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ आइटम की बात करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ आइटम की बात करेंगे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, पहले सब ये इस पर हम लोग बात करेंगे। तो नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने आइटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे भी आपका 3 है, अब बॉडी के अंदर भी क्या है, 3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ आइटम की बात करेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे आइटम है, और इसमें भी 6 आइटम, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। तो नंबर ऑफ आइटम कैसे निकालते हैं, तो कहाँ कहाँ पे आइटम लाइक करेंगे, जैसे कॉर्नर है, टोटल इसमें 6 कॉर्नर है, इसमें भी 6 कॉर्नर है, तो टोटल कितने कॉर्नर होंगे, 12 में 1/6 करके कंट्रीब्यूट होगा आइटम, प्लस में फेस है 2, इसको 1/2, क्योंकि एक फेस पे आइटम कितना योगदान होता है, 1/2 करके, प्लस 3 × 1, कि बॉडी के अंदर 3 आइटम है तो इसमें कंट्रीब्यूशन 1 होगा, इसको काटोगे 6 × 12, ये कट गया, तो 2 + 1 = 3 + 3 = कितना हो जाएगा, 6। मतलब इसमें नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम इन HCP = कितना हो जाएगा, 6। तो HCP में नंबर ऑफ आइटम 6 हो जाएगा। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो पैकिंग फ्रैक्शन इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, पैकिंग फ्रैक्शन वो 74%, मतलब 74% जो आइटम ऑक्यूपाई करता है स्पेस, अब बाकी जो रहेगा वो इम्पटी स्पेस आपका 26% रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो ये हो गया आपका 74% और ये हो गया 26%, ठीक है।